महाबली भी द्वापर युग के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक थे। कहा जाता है इनमें 10,000 हाथियों का बल था। दूसरी ओर महारथी कर्ण एक ऐसी योद्धा थी जिनसे देवता भी डरते थे। क्या होता अगर ये दोनों योद्धा आपस में भिड़ जाते? क्या कभी भी इन दो बलशाली योद्धाओं में युद्ध हुआ था? आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुक्षेत्र में सूर्यपुत्र कर्ण और भीमसेन में बहुत बार युद्ध हुआ था, लेकिन आज हम कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन इन दोनों में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानेंगे। कुछ लोग कहते हैं इस युद्ध में भीम ने कर्ण को खेल खेल में परास्त कर दिया था, और कुछ लोगों का मानना है कि इस युद्ध में कर्ण ने भीम को परास्त करके रणभूमि में घसीटा था। लेकिन इन बातों में कितना सच्चाई है और कितना झूठ, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। युद्ध के 16वें दिन कर्ण ने भीम को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन भीम को युद्ध न करके अर्जुन की ओर जाते देख कर्ण ने उन्हें सामने से रोककर कहा, अरे भीम, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम युद्ध में पीठ दिखाकर ऐसे भाग जाओगे। अगर हिम्मत है तो मुझसे युद्ध करो। कर्ण के इस ललकार को भीम सह न सके और क्रोध में आकर वो कर्ण के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। इसके जवाब में कर्ण भी भीम के ऊपर एक से बढ़कर एक अस्त्र चलाने लगे। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते उन दोनों के बाणों से पूरा आकाश ढक गया। इसके बाद कर्ण ने भीम के कवच पर इतने बाण मारे कि वो कवच पल भर में टूट गया। इसके बाद बहुत सारे तीखे बाणों से कर्ण ने भीमसेन को घायल कर दिया। इससे भीम इतना क्रोधित हो उठे कि उन्होंने अपने बाणों से कर्ण का धनुष काट दिया और कर्ण के रथ के ऊपर ऐसा भयानक बाण चलाया कि वो रथ क्षण भर में जलकर राख हो गया। जिस कर्ण को धनुर्धारों में श्रेष्ठ माना जाता था, उन्हें कैसे भीम ने इतनी आसानी से हरा दिया? दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब कर्ण भीम के साथ युद्ध कर रहे थे तब वो बहुत कोमलता से युद्ध कर रहे थे। आखिर क्यों कर्ण भीम से कोमलता से युद्ध कर रहे थे? युद्ध से पहले कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि वो अर्जुन के सिवा चार पांडवों का वध नहीं करेंगे, इसलिए कर्ण भीम पर या चार पांडवों पर कभी घातक प्रहार नहीं करते थे। लेकिन भीमसेन अपनी पूरी शक्ति लगाकर कर्ण के साथ युद्ध कर रहे थे। यही कारण था कि भीम ने बड़े सरलता से कर्ण को परास्त कर दिया था। लेकिन जब भीम ने कर्ण का धनुष काट दिया और उनके रथ को जलाकर राख कर दिया, तब कर्ण बहुत क्रोधित हो उठे और तब वो अपनी पूरी शक्ति से भीम के साथ युद्ध करने लगे। तब कर्ण का रौद्र रूप देखकर लग रहा था कि स्वयं सूर्यदेव युद्ध भूमि पर अवतरित हो गए हैं। कर्ण अपने दोनों हाथों से इतनी तेजी से बाण चल रहे थे कि वो बाण किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। कर्ण ने भीम पर इतने बाण छोड़े कि उसे चारों ओर अंधेरा छा गया। इसके जवाब में भीमसेन ने भी कर्ण पर सैकड़ों बाण चलाया। कर्ण और भीम के बाण आपस में टकराने से आग की चिंगारी उठ रही थी। कर्ण और भीम के इस घनघोर युद्ध को देखकर देवता आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे थे। इसके बाद भीम ने यमदंड जैसा भयानक एक बाण कर्ण पर चलाया, लेकिन कर्ण ने तीन बाणों से उसे काट दिया। इसके बाद कर्ण ने अपने भयानक बाणों से भीम के धनुष को काट डाला और भीम के रथ के घोड़े को मारकर उसके सारथी को भी घायल कर दिया। इसके बाद कर्ण ने भीम के रथ की ध्वजा को काटकर उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर भीम ने एक भयंकर शक्ति अस्त्र हाथ में लिया और उसे कर्ण पर दे मारा। लेकिन कर्ण ने 10 बाणों से अपनी ओर आती हुई उस शक्ति अस्त्र को पल भर में नष्ट कर दिया। ये देखकर भीम ने अपने हाथ में एक ढाल और तलवार ले लिया, लेकिन कर्ण ने भीम के ढाल और तलवार को भी नष्ट कर दिया। जब कर्ण ने भीम के सारे अस्त्र को नष्ट कर दिया, तब भीम अपने प्राण बचाने के लिए मरे हुए हाथियों के पीछे छुप गए। लेकिन कर्ण ने अपने बाणों से उन हाथियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद बाणों के प्रहार से कर्ण ने भीमसेन को मूर्छित सा कर दिया। लेकिन उन्होंने माता कुंती को जो वचन दिया था उसे याद करके कर्ण ने भीम को जीवन दान दे दिया। लेकिन कर्ण ने भीम को सबक सिखाने के लिए उनके गले में अपना धनुष डाल दिया और उस धनुष में लटकाकर कर्ण ने भीम को युद्ध भूमि में घसीटा।